के आटा महंगा, दालें महंगी, चीनी महंगी और रही सही कसर पेट्रोल ने पूरी कर दी है। शहरी कैमरा देखकर फट पड़े हैं। अवाम ने मुतालबा किया कि अगर हुक्मरान महंगाई पर काबू नहीं पा सके तो हुकूमत छोड़ दें। इमरान खान ने एक और वादा किया था कि मैं आपको रुलाऊंगा भी, आपको तकलीफ भी पहुंचाऊंगा, और इंशाल्लाह हमको ऐसी तकलीफ पहुंच रही है कि आटा लेने जाओ तो 1000 रुपये जेब में होते, 20 रुपये वापसी आते। पहले मेरा राशन आता था 5000 रुपये में, मतलब ये हफ्ते का राशन आ जाता था, अभी वही राशन 15000 रुपये में हफ्ते का आता है। गरीब आदमी को फर्क पड़ रहा है, रोज़ कमा के एक दिन रक्षा चला के देख लें इमरान खान, पता लग जाएगा। अरे हम जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता हम कैसे घर का पूरा कर रहे हैं। अभी अल्लाह इसको खराब करे, ये जो अभी आया हुआ है इन्होंने तो हमारे कपड़े उतार दिए। देखो हमारी गाड़ी की हालत, इतना तेल महंगा कर दिया कि क्या मैं आपको बताऊं। अभी हमारे को इसमें गदा लगाना पड़ेगा, पेट्रोल की जगह पे गदा लगाना पड़ेगा, या गदा दो हम गदा चलावे। पता नहीं कैसी आएगी यार तब्दीली, आ गई, लोग तो मर रहे हैं भूख से, लोग बदवाएं दे रहे हैं इसको। मेरे भाई जो चीज़ उठाओ उसमें पैसे बड़े भी मिल रहे हैं, कल लेने जाओ कुछ है, आज लेने जाओ तो कुछ है। हद कर दी इन लोगों ने भाई, इस हुकूमत से अल्लाह जो ना छुटकारा दिला दे हम लोगों को, या सुकून हो जाए। महंगाई बहुत है यार, वो तो सबको पता है महंगाई बहुत है, महंगाई इमरान खान आया हुआ है ना इसलिए। दूध का रेट 94 रुपये ऑफिशियल है, 140 रुपये में बिक रहा है, क्या ये लोग सोए हुए हैं, क्या डीसी के घर पे दूध नहीं जाता। इमरान खान ने बोला था मैं जो है ना 1 करोड़ पता नहीं कितने लोगों को, करोड़ों लोगों को जो है ना नौकरियां दूंगा, कहाँ नौकरियां दी हैं, किसको नौकरियां मिली हैं।